नमस्कार। हम इस वक्त बाड़मेर के एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं जहां पर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में 21 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, छोटे नन्हे मुने जो बच्चे पढ़ाई के दम पर या तैयारी करके नवोदय विद्यालय के लिए तैयार हुए हैं। ये इंस्टीट्यूट है बाड़मेर का प्राइम इंस्टीट्यूट, जो कि मदर टेरेसा स्कूल के पास रिको एरिया रामनगर बाड़मेर में स्थित है। यहाँ से सेलेक्ट होने वाले बच्चे जो इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे साथ है। उन बच्चों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे इन्होंने तैयारी करी, यहाँ की फैकल्टी, इनके जो टीचर है, शिक्षकों ने कैसे इनकी तैयारी करवाई और कैसे यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? पुखराज। पुखराज, आपका सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे? हाँ। कितने साल से रहे हॉस्टल में? 5 महीने। 5 महीने। कैसा फिर यहाँ का माहौल कैसा लगा? यहाँ की पढ़ाई कैसी है? अच्छी। अच्छी है पढ़ाई। क्या नाम आपका? हर्ष। हर्ष, हर्ष आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो सिलेक्शन के लिए जितनी तैयारी आपने परीक्षा से पहले की थी, वो जो आपके टीचर है उन्होंने कैसी तैयारी करवाई? उन्होंने बहुत अच्छी तरह तैयारी कराई। अच्छी तरह तैयारी करवाई। यहाँ पे आप हॉस्टल में ही रह रहे थे? हाँ। फिर हॉस्टल में आपका खाना पीना रहना सब यही हॉस्टल में ही देखते थे? हाँ। किस तरह का माहौल था यहाँ पे? यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा माहौल था। हाँ। और घर की बिल्कुल याद आती नहीं थी। नहीं आती थी? कहाँ से हो आप? मैं कुड़ला से। कुड़ला से हो? यहाँ रहती थी, तैयारी करती थी। आपने कितनी तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी। हाँ। और 4 घंटे सुबह वाली क्लास लगती थी और 3 घंटे शाम वाली क्लास लगती। अच्छा, इतनी पढ़ाई करते थे। जब आपका रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, आपको पता चला, तो फिर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अच्छा, नवोदय में जाने की खुशी है? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कैलाश चौधरी। कैलाश, आपका सिलेक्शन हुआ नवोदय में, रिजल्ट आया, फिर आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हुए हो, कैसा लगा उसके बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आगे अभी आप नवोदय में जाओगे, ये प्राइम इंस्टीट्यूट में, यहाँ से आपने तैयारी करी है? यहीं रहते थे आप? हॉस्टल में रहते थे? कहाँ से आपका घर? कहाँ? कुड़ला। कुड़ला में। अच्छा, यहाँ पे आपके जो टीचर है वो आपको किस तरह से गाइड करते थे, पढ़ाई किस तरह से करवाते थे आपकी तैयारी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी करवाते थे। आपका नाम? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश, आपका भी सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे आप भी? नहीं, घर से अप डाउन करता था। अच्छा, आप घर से आते जाते थे रोज, तो यहाँ की तैयारी कैसी लगी आपकी? यहाँ की जो तैयारी करवाई आपकी? यहाँ की तैयारी बहुत अच्छी लगी। तो बहुत अच्छी लगी। आप सारी सब्जेक्ट में अच्छे से तैयारी करवाते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? भावना। भावना, सिलेक्शन हो गया आपका नवोदय में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हो? यहीं से हो। यहीं से हो? यहाँ हॉस्टल में रहते थे या घर से आना? घर से आना जाना था। घर से आना जाना करते हो? अभी यहाँ के आपके जो सर है, जिन्होंने आपको पढ़ाया, सारी सब्जेक्ट तैयारी करवाई, तो कैसे तैयारी थी, आपने कैसे तैयारी करी? बहुत अच्छी तैयारी थी और मैंने भी बहुत अच्छे से की थी। अभी आगे आप वहाँ पे जाओगे, आगे क्या क्या मन है, क्या बनने का मन है? IAS। अच्छा, IAS बनना है, बहुत अच्छी बात है। सिविल सर्विस में जाना चाहते हो? बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? रवीना। रवीना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। साफा पहन लिया है, माला भी पहन लिया, आपको बधाई दिए है। यहाँ पे रह के तैयारी करी आपने भी? हाँ। अच्छा, कैसी रही आपकी तैयारी, आपने कितने महीने करी? बहुत अच्छी, 6 महीने की। 6 महीने तैयारी करी। आपके जो टीचर है उन्होंने किस तरह से पढ़ाया आपको? बहुत अच्छा। हॉस्टल में रहते थे? हाँ। हॉस्टल का खाना कैसा होता है? बहुत अच्छा। अच्छा, अगर जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको शिकायत रहती है कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता, आपको है क्या ऐसी शिकायत? नहीं थी? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अच्छा लगा, कोई शिकायत नहीं थी? कोई शिकायत नहीं थी। किस तरह से टीचर ने आपको तैयारी करवाई? पढ़ाया था सुबह 4 घंटे और शाम को 3 घंटे पढ़ाया था, और हम खुद से और 7 घंटे पढ़ते थे। 6-7 घंटे पढ़ते थे, तो बिल्कुल। इंस्टीट्यूट के टीचर भी हमारे साथ है। सबसे पहले ये जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि वो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम? अन्नाराम। अन्नाराम जी, आपके यहाँ किसका पोते या पोती का किसका सिलेक्शन हुआ है? अपना है? वो तो है। अच्छा,
पोते है आपका? मेरा पोता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। नवोदय में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। नवोदय इतना अच्छा विद्यालय है, वहाँ पे बच्चा रह के अच्छे से पढ़ाई करेगा। हमने ये सोचा नहीं था भाई ये नवोदय में जाएगा, बहुत बढ़िया पढ़ाई है इसलिए पहुँच गए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर कितने महीनों से? छह सात महीना हो गया है। 6-7 महीने। फिर हॉस्टल में ही रहते हैं? ये हॉस्टल में। हाँ, फिर आप यहाँ के जो टीचर है उनका कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, उनकी तैयारी बहुत बढ़िया है। कोई परेशानी नहीं, कोई बच्चों के लिए कोई शिकायत है नहीं। पढ़ावना, खाना पीना सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर, किसका सिलेक्शन हुआ आपके? मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ है। बेटे का, बहुत बढ़िया। क्या बात है, नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं भी नवोदय में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप ही नवोदय से पढ़ा हुआ? और मेरे बच्चे का भी हो गया अभी नवोदय में। मैं सबसे पहले तो मैं प्राइम इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। इनकी बहुत बड़ी मेहनत है, इनकी मेहनत की बदौलत ही ये मेरा बच्चा सिलेक्शन हुआ है। और विशेषकर इनके जो संस्थापन है इंस्टीट्यूट के, वो फोकर जी बहुत मेहनत करवाते हैं। मेरा बच्चा वैसे इस संस्थान से जून से जुड़ा है, जून 2023 से, और 6-7 महीनों में इसका स्तर मतलब ये टॉप किया इस बार इसने, और बहुत बढ़िया। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, बार बार इनको यही बधाई देना चाहूँगा कि इनकी जो मेहनत है ना वो काबिले तारीफ है। उनको सलाम करता हूँ मैं, इनकी मेहनत को। बिल्कुल, बताइए सर किसका सिलेक्शन हुआ आपके? मेरे बच्चे का। आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जवाहर नवोदय में, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो क्या कहोगे, यहाँ की फैकल्टी कैसी लगी आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ जी। मैम बताओ। बेटे का सिलेक्शन? आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बधाई। कैसा लग रहा है नवोदय में सिलेक्शन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आपका बेटा हॉस्टल में रहता था या नहीं? हॉस्टल में नहीं रहता, घर से आता, घर से आना जाना रहता। तो आपने तो उनको पढ़ते हुए देखा होगा, फिर स्कूल से जो या इंस्टीट्यूट से उनकी जो तैयारी सर करवाते थे वो कैसी तैयारी थी? बहुत अच्छी तैयारी थी सर, बहुत अच्छा गाइडेंस भी देते थे। हाँ। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से तैयारी करवाती थी। अच्छा, आप खुद पढ़े? आपने क्या करके रखा है? मेरे BA BEd। अच्छा, तो यहाँ की तैयारी जो थी वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी तैयारी लगी सर, के गाइडेंस से ही मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ है। मैं तो गाँव से थी, पहले गाँव में ही रहते थे हम। एक दो बार सर से मिली, सर मेरे गांव के ही, मैं और सर एक स्कूल में पढ़े हुए। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अभी हमारे साथ इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, तो उनसे बात करना भी जरूरी है। हाँ जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके इंस्टीट्यूट से इन 21 बच्चों का जवाहर नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, जहाँ हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा वहाँ जाके पढ़े। वहीं आपके स्कूल से सैनिक स्कूल में भी 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पहले तो आपको बधाई। किस तरह की तैयारी करवाते हो? जी मैम, तो ऐसा है कि हमने 2016 से जब हमने आए थे बाड़मेर, कोई मकसद नहीं था कि कोचिंग चलाएंगे और इंस्टीट्यूट इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, हमने 2-4 बच्चों से स्टार्ट की थी, 4 बच्चे थे, उनमें से फर्स्ट में 2 बच्चे हो गए थे सिलेक्टेड। नवोदय तो धीरे 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 क्रेज बढ़ गया, सेकंड बैच में 4 हुए, फिर 8, फिर 10, फिर 12, अब इतना डिमांड बढ़ गया है कि जगह भी कम पड़ रही है। ठीक है, आपकी प्राइम इंस्टीट्यूट आज 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। तो आप कौन कौन सी तैयारी जो है वो यहाँ पर करवाते थे, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम की? यहाँ नवोदय की विशेष रूप से, क्योंकि आगे डिमांड और एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ एरिया है, थोड़ी आर्थिक स्थिति के हिसाब से क्या है, नवोदय थोड़ा फ्री है, उस वजह से लोग ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर और मिलिट्री और सैनिक, जो भी मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जो तैयारी करना चाहते हैं ना बच्चे, उनको मिलिट्री और सैनिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस, और बाकी नवोदय भी बेस्ट है तैयारी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की शानदार पढ़ाई है, आज बच्चे 12th करके भी आगे है कई बच्चे, और कई तो आज तक, और नवोदय के अंदर आज तक अपने इंस्टीट्यूट से 126 बच्चे गए हैं। नवोदय 126 आपके इस इंस्टीट्यूट से गए हैं? जी बिल्कुल। तो आपके लिए ये बात किस तरह से प्राउड की है कि इतने बच्चे सिलेक्शन हो गया है? बहुत प्राउड होता है, बिल्कुल, बच्चे इतने जा रहे हैं तब तो खुशी तो होती है बच्चों की और गार्जियनों की। बिल्कुल। आगे क्या प्लान इस इंस्टीट्यूट में, और भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप? बिल्कुल आएंगे बच्चे, तो हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम है। सबसे पहले तो इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनकी मेहनत ही सब कुछ है। बिल्कुल, अगर एक बार आप अपने आपके जो टीम की टीम से रूबरू करवाते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, स्टाफ सामने है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर, अनिल जी बधाई हो, आपके जो स्टूडेंट उनका सिलेक्शन हुआ है, किस तरह की तैयारी, आप कौन से सब्जेक्ट इनको पढ़ाते थे? मैं तो मैम वैसे विशेष रूप से मेरा मतलब मिलिट्री बेस में हैंडल करता हूँ, मिलिट्री में जी के पढ़ाता हूँ। बाकी हमारे यहाँ पर मतलब आने का हमारा एक ही ध्येय रहता है कि जो बच्चे हमारे ये छोटे बच्चे सौंप देते हैं हमें, तो हम पूर्ण रूप से इनके ऊपर एक घर जैसा माहौल इनको मतलब प्रोवाइड करवा के पूरा पूरा ध्यान देते हैं। घर वालों की मतलब कोई क्वेरी रहती नहीं है कि इनके ऊपर क्या ध्यान देना है क्या नहीं देना है, और आगे भी मिलिट्री के लिए और
सैनिक स्कूल के लिए बहुत कुछ अच्छा मतलब बहस स्टार्ट करने जा रहे हैं और दर्शकों से ये भी कहेंगे कि नवोदय के साथ साथ मिलिट्री और सैनिक में बहुत अच्छा स्कोप है, तो उसमें भी ध्यान दें। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये था प्राइम इंस्टीट्यूट बाड़मेर का, जहाँ पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री, नवोदय सबकी तैयारी की जाती है। बिल्कुल सर, बताइए आप क्या पढ़ाते थे यहाँ पर बच्चों? नहीं, अपना एक बच्चा है, उनका सिलेक्शन हुआ नवोदय। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जब मैंने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाया था, 5 महीने में बच्चे को पूरी टीम ने अच्छा तैयार करवाया। हाँ। तो इस हिसाब से मैं सबसे पहले ये प्राइम छात्रावास बाड़मेर पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। हाँ। कि 5 महीने में मेरे बच्चे को एकदम अच्छा तैयार करवा करके नवोदय विद्यालय के लिए भेज दिया। जब रिजल्ट आया तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मेरे को पूरा विश्वास नहीं हुआ कि 5 महीने में बच्चा का सिलेक्शन कैसे हुआ। फिर भी मैंने पोकर जी को फोन करके पूछा है, भाई देखो रिजल्ट मेरे को सामने है। हाँ। रिजल्ट मैंने खुद नहीं देखा, फिर भी मेरे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि भाई 5 महीने में इसी प्रकार की तैयारी करवाता। तो बहुत पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी छात्रावास है। बच्चों को भी रखते तो मतलब अपने घर के समान रखते, किसी बच्चे की शिकायत भी नहीं आती। जहाँ तक संभवतः बच्चे घर आने की सोचते नहीं है कि हम ठीक है, घर से ही बेहतर है। बिल्कुल, बताइए सर आप। हाँ नमस्कार। देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है प्राइम इंस्टीट्यूट, इसका नाम ही प्राइम है। प्राइम का मतलब होता है खास, और इन्होंने खास तरीके से तैयारी की है। काफ़ी समय से मैं स्टाफ से और इनके निदेशक हैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, कुछ बच्चे भी मेरे परिचित हैं। तो एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद 1994 में नवोदय में सेलेक्ट हुआ था और वहाँ पे लंबे समय तक मैं रहा हूँ। तो नवोदय क्या है, ये जितने बच्चे हैं पेरेंट्स से अभी शायद पता नहीं होगा, आप घर से दूर चले जाते हैं 10 साल की उम्र में। कोई टीचर आपके यूपी के होते हैं, कोई आंध्र प्रदेश के होते हैं, कोई कहीं के होते हैं, तो वो एक माहौल जो होता है वो नवोदय का मतलब जाति का कोई भेद नहीं। वहाँ पे बच्चे को पता भी नहीं रहता कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन कलेक्टर का बच्चा है और कौन किसान का है। ये बहुत बड़ी बात है। आज नवोदय से निकले हुए 10 लाख लोग इंडिया में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, जो जाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर है। तो नवोदय के लिए एक लाइन गाई जाती है कि हम नव युग की नई आरती, नई भारती, हम स्वराज की ऋचा नवल, भारत की नवलय हो, हम ही नवोदय हो। तो नवोदय होना केवल पढ़ना नहीं है, आप नए होंगे और आप विशेष होंगे। तो इनके बुजुर्ग दादा दादी माता पिता जो सुन रहे हैं, गुरुजन सुन रहे हैं, और मैं वहाँ से निकला हुआ एक प्रोडक्ट हूँ, जो अभी बाड़मेर पीजी कॉलेज में अंग्रेजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो यहाँ थार एरिए में रह करके किसी भी कंपटीशन में आगे आने के लिए नवोदय का बहुत बड़ा योगदान है, और नवोदय में लाने के लिए प्राइम का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्राइम इंस्टीट्यूट में जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को भेजेंगे तो लगभग गारंटी है कि बच्चा नवोदय में जाएगा और काफ़ी वर्षों के बाद वो समाज के लिए एक अच्छी कार्यशैली लेकर के आएगा, जो वास्तव में काबिले तारीफ होगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बिल्कुल सर, तो ये था प्राइम इंस्टीट्यूट बाड़मेर का, जहाँ पर हर साल नवोदय में इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है। नवोदय में सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल के लिए, नवोदय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल ऐसी स्कूल है जहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो वही इनकी जो फैकल्टी है बहुत अच्छे से इनको तैयारी करवाई, और बच्चे आप देख ही रहे किस बच्चे जो एक साथ इनका सिलेक्शन हुआ है नवोदय में। तो कोई भी आसपास पूरे राजस्थान में किसी भी जिले के बच्चे या बाड़मेर के जो बच्चे हैं वो नवोदय में जाना चाहते हैं, या उनके पेरेंट्स जो उनको भेजना चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना चाहते हैं, तो एक बार प्राइम इंस्टीट्यूट बाड़मेर में आके ज़रूर देखिए, आपके बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है, सुनहरा है। शुक्रिया।